हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री का ग्लोरियस इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लीव किया था वहाँ से उसके आगे से सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी कि अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य समाज का पतन किस तरह से हुआ था। तो अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कृणाल राजा बना जिसने दिव्य विधान में धर्म विवर्धन कहा गया है रजत रंगिनी के अनुसार उस समय जो है जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र जो है वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल ने अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र समरप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकाओं को दान में भी दी थी। वृहद ग्रंथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसने ब्राह्मण मंत्री जो है हम कहें ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंक ने उसकी हत्या करके मगध से शुंक वंश के शासन की नींव डाली। अब यहाँ पे आता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कि मौर्य का जो प्रशासन है वो क्या था। तो मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्देशित किए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये उन्होंने हम कह सकते हैं कि उन्होंने डिवाइड किया। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जाँच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्रियन भी होता था जो इस तरह के मंत्री परिषद को देखते थे। फिर इसमें हम कहें कि जो केंद्रीय प्रशासन है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या था। तो 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड द त्रिथा हैव बीन मेंशन इन अर्थशास्त्र। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज त्रिथ इज नोन एज द महामात्य। मिनिस्टर, मंत्री, प्रिस्ट, पुरोहित, कमांडर्स, सेनापति एंड प्रिंस युवराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थास। कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ जो तीर्थ थे उनमें मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति और युवराज को शामिल किया गया है। फिर इसमें आपका आता है समाहर्ता। समाहर्ता हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, कीप रिकॉर्ड इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट। इनका जो कार्य होता था राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना होता था। यानी अगर हम देखें तो मौर्य प्रशासन काल में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अगर हम देखें तो वो कितना सॉलिड था, किस तरह से वो हर चीज़ को रिकॉर्डेड रखते थे। फिर आपका नेक्स्ट में आता है सन्निधाता, यानी जो ट्रेजर होता है, कोषाध्यक्ष जिसे हम कहते हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम। 26 डिपार्टमेंट्स हैव बीन मेंशन इन द अर्थशास्त्र विच इंक्लूड। अगर हम कहें कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषाग्रह और अन्नागार जो होते हैं बनवाना, अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो कृषि से रिलेटेड होते हैं, पण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लूनाध्यक्ष, फिर हम कहें कि वीता अध्यक्ष जो हैं, लक्षणाध्यक्ष हैं, मुद्राशक अध्यक्ष हैं, पोतवाक्ष हैं, बंधनाग्रक्ष हैं, आठविक हैं, और फिर हम कहें कि इत्यादि को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे काम किया करते थे। फिर अगर हम बात करें प्रोविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रांतीय जो प्रशासन होता है अशोका के समय में, जो मौर्य प्रशासन के समय में किस तरह से जो है प्रांतीय प्रशासन को संभाला जाता था, तो हम कहें कि अशोक के समय में मगध साम्राज्य में के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, तो जिसमें कि हम कहें कि मगध मिलता है, उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी,
कलिंग तोसिला दक्षिणापथ स्वर्णगिरी मध्य देश पाटलिपुत्र प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषय में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो महामृतों के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो इस 10 गांवों का शासन संभालता था। अब अगर हम कहें कि संहारता के अधीन प्रदेशित नामक की अधिकार का अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। यानी जिस तरह से अगर हम आज जो हमारा जो हम अगर लोकल लेवल पे अगर हम देखें तो एक जिला होता है, ठीक है, जिला के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट हम कहें कि एक पंचायत होती है, पंचायत के बाद में अगर हम कहें एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम कहें कि एक स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है। जिस तरह से हमारे जो डिविजन्स अलग अलग डिवाइड होते हैं उसी समय में इन लोगों ने भी उस समय में क्या किया था कि सारे जो हैं प्रांतीय स्तर पर यानी डिवाइड किए हुए थे और उनको सुपरविजन करने के लिए भी उन्होंने नियुक्तियां कर रखी थी। अब अगर हम देखें कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है नगर शासन जो है उस समय में किस तरह का था तो मैगजीनीज के अनुसार नगर शासन का प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। समितियों में विभक्तता, प्रथम समिति जैसे कि उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना अगर हम कहें, फिर द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जो है जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ जो श्रेणी थी या समिति थी उसमें व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति में निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। कि किस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने पूरे वर्क को क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था और हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी और उनको वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फुल फ्लैश्ड तरीके से निभानी पड़ती थी। इसमें हम कहें कि जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र से लेकर के अगर हम कहें कि जो हर एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमने विदेशों से क्या लेन देन किया है, हमारे यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, कितनी वस्तुओं का क्रय हुआ है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन है या इन चीज़ों का लेखा जोखा जो है ये उस समय हम कहें तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था। अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो मिलिट्री सिस्टम है, जो सैन्य व्यवस्था है वो उस समय कैसी थी, तो अगर हम बात करें कि सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, यानी अलग से जो है उन्होंने सेना के लिए डिपार्टमेंट रखा था जो 6 समितियों में विभक्त है, यानी 6 उसके सेक्टर्स जो हैं उसको उनके अंदर उन्होंने कमिटीज़ में डिवाइड किया था। ये समितियाँ जो हैं प्रत्येक समिति में हम कहें कि 5 सदस्य होते थे, इसमें कि जो 6 समितियाँ थी उसमें एक समिति के अंदर 5 व्यक्ति हुआ करते थे सदस्य के रूप में। ये समितियाँ सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। यानी पैदल जो सैनिक होंगे, जो घोड़ों पे रहेंगे, जो हाथियों पे रहेंगे, जो रथ पे रहेंगे और जो नौसेना के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहें कि सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्थापक भी जो है अंतपाल होता था। मैगजीनीज जो इंडिका के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 600,000 पैदल, 50,000 अश्वरोही, यानी 600,000 तो जो सैनिक थे वो पैदल थे, ठीक है, यानी पैदल जो हमेशा सेना में इन्वॉल्व होते थे। उसके बाद हम कहें तो 50,000 जो हैं घोड़ों की जो सैनिक थे वो जो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे वो थे, 9,000 हाथियों के साथ में सैनिक थे और 800 रथ से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बहुत ही बड़ी सेना जो है उस समय उनके पास में हुआ करती थी। अब इनका जो जुडिशियल जो सिस्टम है, न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय में जो न्याय व्यवस्था थी, लोगों के साथ में जो न्याय किया जाता था, जुडिशरी जो की जाती थी वो क्या थी, तो हम कहें कि सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था एंड निचले स्तर पर जो है ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण द्रोण मुख हैं, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। जैसे हम कहें कि सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। यानी कि उस समय अगर देखें तो जुडिशियल सिस्टम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था अगर हम ओवरऑल व्यू करें तो। फिर इसमें आपका आता है धर्मस्थीय, धर्मस्थीय जो है वो क्या था,
कि इस समय जो हम ये कहें कि जो धर्म को लेकर, जो वर्कशिप को लेकर जो है वो क्या सिस्टम था उस समय में मौर्य साम्राज्य के समय में। तो इन न्यायालयों के निर्णय का कार्य जो है धर्मशास्त्र के में निपुण तीन धर्मस्थ तथा व्यवहारिक और तीन आत्मीय करते थे। धर्मस्थ एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी, यानी ये भी एक तरह का हम ये कहें कि जो न्याय जुडिशरी सिस्टम का एक ये सिस्टम प्रोविज़न था जिसके अंदर ये लोग जो हैं कि धर्मस्थ के अनुसार ही जो हैं डिसीज़न लेते थे कि कौन जो है वो क्रिमिनल है और कौन नहीं है। जैसे कि हम कहें कि चोरी डाके व लूट के मामले हैं जिन्हें साहस का कहा गया है भी धर्मस्थनीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन है, मानहानि है, मारपीट के मामले हैं में धर्मस्थ न्यायालय में ही लाए जाते थे जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य भी कहा जाता था। फिर हम कहें कि कंटक शोधन जो है उसमें क्या होता था कि इसमें भी एक तरह के क्रिमिनल्स को यहाँ पे लाया जाता था, ये फौजदारी अदालत होती थी। तो तीन प्रदेशित तथा तीन आत्मीय मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे, यानी जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है या किन्हीं दो राज्यों के बीच में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो वो कंटक शोधन के अंदर ही वो लाया जाता था मामला। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार अगर हम बात करें तो कानून के चार अंग होते हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो ये चार जो हैं वो हम कहें कि चाणक्य जो है उन्होंने ये चार चीज़ें बताई हैं कि इसके बेसिस पे जो है आप ये डिसाइड कर सकते हो। अब हम कहें कि मौर्य के काल के अनुसार जो है समाज क्या था, मौर्य सोसाइटी किस तरह की थी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो मैग्नीस्कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था की जानकारी जो हमें मिलती है। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम यानी जो कलर होता है हमारा उसकी व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अगर हम बात करें अन्य जातियों जैसे निषाद हैं, पार्श्व हैं, रथकार हैं, शता हैं, वेदेहक हैं, सूत हैं, चांडाल हैं आदि का उल्लेख भी किया है। मैक्सनीस की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण जो है सात जातियों में किया गया है, दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर व शिल्पी जिसे कह सकते हैं, सैनिक हैं, निरीक्षक हैं, सभासद हैं तथा अन्य शासक वर्ग भी इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। फिर हम अगर बात करें तो मैक्सनीस ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। फिर अगर हम बात करें तो कि मौर्य काल के अंदर जो स्त्रियों की कंडीशंस थी वो क्या थी, ये कुछ हम कहें कि अभिलेख हैं। ये अशोक स्तंभ था, आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अशोक पिलर है ये आपका, फिर ये सांची स्तूप है आपका। तो ये बहुत ही क्रिएटिव थिंग्स थी जो उस साम्राज्य के समय में यूज़ की गई थी और उनके द्वारा बनाई गई थी और उनकी इम्पोर्टेंस आज भी है। अब हम बात करते हैं, ड्यूरिंग मौर्य पीरियड्स द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड टू बी प्रोग्रेसिव बट स्टिल दे वर इन द बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू स्मृति पीरियड्स दे वर अलाउड टू रीमैरी एंड परफॉर्म नियोग। कि मौर्य काल में हम कहें कि स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी और उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति दी जाती थी। फिर हम कहें कि सुंगा डायनेसिटी जो है इसमें अगला आपका टॉपिक है जो कि हम थोड़ा सा इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। शुंगा का जो है इसमें ज़्यादा नहीं आया है तो हम शुंगा डायनेसिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो शुंगा डायनेसिटी जो है ये है कि इसकी स्थापना जो है 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य राजा वृहद्रथ जो है का प्रधान सेनापति था, उसे मारकर सिंहासन का अधिकार कर लिया। उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में जय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में दो बार अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई राजा होता है वो अपने राज्य की सीमा तय करने के लिए किसी घोड़े को छोड़ता है और वो घोड़ा जहाँ जाकर रुक जाता है तो वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ तक उस राजा की सीमाओं को माना जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें अश्वमेघ यज्ञ उसने किया था तो सुप्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण पतंजलि अश्वमेघ यज्ञ में उसका पुरोहित था।
फिर कहें कि पुष्यमित्र के बाद जो है शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे, अग्निमित्र हैं, ज्येष्ठ मित्र हैं, भद्रग हैं, भागवत हैं, देवभूति हैं। देवभूति को उसके आत्मे वासुदेव ने लगभग 73वीं ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया था। तो ये जो है हम कहें कि शुंग वंश जो है इन्होंने थोड़े ही समय में शासन किया था। अब इसमें है सातवाहन जो डायनेसिटी है, सातवाहन डायनेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर